फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए कुछ टॉप्स ऑर्डर किए थे, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन जब सारा आती है तभी मैं उसको कुछ देती हूँ। लेकिन मैं इस बार मॉल नहीं जा पाई थी क्योंकि मॉल बंद है, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। सारा ड्रेसेस तुम्हें मिल जाती है, हमारी भी बहुत सारी हो जाती है और भी तुम्हें भाभी भी दिला देती है। ये देखो तुम्हारे लिए कुछ किया था। दो दो बहुत अच्छी है। क्या लिखा है? बारबी। उसको बारबी पसंद थी ना। अच्छी है, दोनों बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है ना, बारबी बारबी बहुत बहुत प्यारी। ऐसे छोटा सा गिफ्ट जो तुम पसंद करो, वो अच्छी चीज नहीं है। आपको तो पता ही है कि अपने लिए कुछ ऑर्डर करे और अम्मी के लिए ना करे वो तो हो ही नहीं सकता है। तो अम्मी के लिए ये सूट ऑर्डर किया था, देखो हमने। चलो देख, बारिश में बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा ना। हाँ, हमेशा से अम्मी को पसंद रहते हैं दुपट्टा। हाँ, प्रिंट अच्छे बड़े दुपट्टा। एक दिन बैठे खोले मोबाइल देख रहे थे, तो सपा करी क्या देख रही हो? मैं कुछ नहीं देख रही। बोले कुछ तो देख रही हो, और इत्तेफाक की बात, जहाँ मैं देख रही थी ये सामने था, तो हमें लगा चलो ये। हाँ। अम्मी को कुछ भी गिफ्ट करने में ना बहुत खुशी मिलती है, और आज अम्मी की दुआओं की वजह से इस लायक है कि अम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं। इतनी अम्मी ने दुआएं की है तो बहुत अच्छा खुशी होती है। तो अगर अम्मी के लिए कुछ भी करो तो वो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि अगर अम्मी की दुआएं नहीं होती तो आज हम इस लायक नहीं होते कि अम्मी को कुछ दे। अभी पहन लो, अच्छा लगा। अम्मा कह रही पहनना। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर भाई के बर्थडे ब्रिंगिन के लिए। हम लोग आ गए नीचे, आज भाई का बर्थडे ब्रिंगिन था, वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था कुछ मैं ऊपर शूट ही नहीं किया, क्योंकि भाई भाभी के ब्लॉग में तो आप देख ही लेंगे। और मैंने ना इन लोगों को अभी, ये लोग कैसे स्टैचू बन गए, मैंने ना एक्चुअली ये लोग कहते हमें आना है ब्लॉग में, क्योंकि जो इनका बेटी खाला जिस दिन आई थी वो ब्लॉग में, आप लोग इतना कुछ लोग, सब नहीं, सब लोग इतने मतलब ना समझ नहीं है, कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा ना समझ हैं, और वो कह रहे हैं कि रिजा रेहान अपनी मम्मी को देख के खुश नहीं हुए, उनकी मम्मी की आंखों में दर्द दिख रहा है। कि लोग कह रहे हैं कि उनकी मम्मी की आंखों में इतना दर्द दिख रहा है। और पता, कोई कह रहा है कि जब से सारा आई है तो आप रिजा रेहान पे नहीं ध्यान दे रहे हो, कोई कह रहा है कि आप उनका खाला का ज्यादा मजाक उड़ाते हो। तो मुझे लग रहा है भैया आप लोग कितना सोचते हो, ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचते। इन लोगों की जो मोहब्बत है और हम सबकी, माशाल्लाह तो मिसाल है, जहाँ मौधा में, भोपाल में, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रिजा रेहान यहाँ रहते हैं पास में, सारा दूर रहती है, तो यहाँ थोड़े दिन के लिए आती है, तो थोड़ा उसे वो कर, थोड़ा सा हम थोड़ा ज्यादा पैम्पर करते हैं। अम्मी भी यही कहती है कि आप लोगों की बहुत बड़ी, बेटा ये गलत फहमी है, अपनी माँ को कौन नहीं चाहेगा, वो बच्चे थोड़े शर्मीले हैं। मोहब्बत है ना, वो हम तीनों बहने जानते हैं, हम तीनों के बच्चे जानते हैं, पूरे सब कई मिसाल है, जान से ज्यादा हम लोगों की। रिजा की बात तो पहले भी नहीं बोली, घर में भी नहीं बोली, नहीं बोली मेरे घर, तो एक्सप्रेस ना बोल चली जाती थी बाहर निकल के, ना वो स्कूल में बोली, वो घर में बिल्कुल नहीं बोली। हम लोग भी पहले नहीं बोले, हमारे बहुत लोग भी बच्चे हैं वो नहीं बोलते करते हैं, जैसे हम लोगों की तीनों बहनों में अल्लाह पाक मोहब्बत दी, अल्लाह सबकी बहनों में ऐसी, और आप लोग इतनी छोटी बात पे, मतलब मुझे इतना बोल रहा कि लाइफ में मतलब पहली बार की मैं कमेंट पढ़ी, और इसलिए कि आप लोग खाला को मजाक उड़ा रहे हो। अरे हम लोगों की बॉन्ड से ज्यादा हम लोगों को चाहिए, जान है हम लोगों की बहुत ज्यादा, हम तीनों में मोहब्बत है, मैं इनको बहन एक एक करके, मैं इनको कभी अपनी बहन नहीं समझती, मेरी बेटी ही है, हमारी माँ है। और सोचो इत्तेफाक ऐसा होता है, जो हम जो इतने बड़े हो गए, आप लोग जानते हो, हम भी कहीं पहली बार बहुत दिनों बाद जाते तो शर्मा जाते हैं। उनको इतना ज्यादा मोहब्बत है और आप लोगों ने गलत समझ लिया, उससे हमें लगा हम लोगों को तो बहुत अफसोस हुआ कि अल्लाह पाक, हम लोग इतना वो खुश नसीब अपने आप को समझते हैं, सबको बोलते हैं कि सब लोगों में, बच्चों में, बहनों में, खालाओं में अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत है, और हमारी पूरी फैमिली में, पूरे ऊपर नीचे दीपिका शोएब सब में हम लोगों में बहुत मोहब्बत है। और रिजा रेहान बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, वो मतलब अपने स्कूल में रिजा तो अपनी अटेंडेंस भी नहीं लगाती थी, अपनी फ्रेंड से बोलती थी, तो उनकी नई आदत है। और वो बच्चे मतलब, और पहले हम लोग भी नहीं बोले, हम लोग भी नहीं किसी से मिले नहीं बोले, अब थोड़ा सा बोलने लगे, और कुछ बोल रहे थे कि खाला की आंखों में दर्द नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा
बच्चे इतने अच्छे से रह रहे हैं, हमें इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि इतने अच्छे से रह रहे हैं, बच्चे यहाँ बिल्कुल सुकून से है। जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, नजरिए को चेंज करिए। हम लोगों की पूरी घर की सब लोगों की बेमिसाल मोहब्बत माशाल्लाह, और ऐसी बनी रहेगी। आपको आगे ऐसी ब्लॉग देखने को मिलेंगे कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं इनका मजाक उड़ाऊंगी, क्योंकि हंसने में तो मजा आता है ना। ठीक है, ये बहुत खुश है माशाल्लाह, बहुत दिनों बाद। तो आप परेशान हो, अभी हम इस क्लिप को यहाँ पे एंड करते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा कल तक, तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं चाह रही रेजा को नहीं बचा रही तो कुछ नहीं हूँ अभी, हमारे इसलिए शालुपी हमको ज्यादा सब कुछ शालुपी इक्वल प्यार करती है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि व्लॉग कंटिन्यू रहेगा आज भी, आज भाई का बर्थडे, आज 28 जून है। आज हमें बहुत सारी चीजें करनी है, भाई के लिए गिफ्ट भी लेने जाना है, लेकिन मुझे काम था, मुझे इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करना था, उसके लिए हमने ये बैकड्रॉप लगाया था। अभी हम गिफ्ट लेने भी जाएंगे और डेकोरेशन भी करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैंने मेकअप निकाल लिया, अभी मैं कपड़े चेंज कर लूंगी और बारिश भी हो रही है तो देखते हैं हम कैसे जाएंगे क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेकअप तो निकाल लिया लेकिन हमेशा मेकअप के बाद भी जो उसके रेसिड्यू होते हैं वो फेस पर रह जाते हैं, तो फेस क्लीन करके उसके बाद हम निकलेंगे। तो मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। आपको पता है कि ब्रशेस मुझे बहुत पसंद है, फेस को अच्छे से क्लीन भी कर देते हैं और साथ साथ जो आपके मेकअप भी रह जाता है उसे भी अच्छे से निकाल देते हैं। और ये जो फेस वॉश है ये बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन भी करेगा, साथ साथ जो हमारा मॉइस्चर चला जाता है हमारी स्किन से उसे भी वापस लाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड कि ये ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है, जैसे मेरी स्किन हो जाती है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके इंग्रीडियंट्स है ना फ्रेंड्स वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें है ऑर्गेनिक हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इसमें विटामिन B5 और विटामिन ई, ये सारी चीजें हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए ये फेस वॉश हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा गीला करके आ जाती हूँ, क्योंकि इसको यूज करने से पहले हमारा फेस थोड़ा सा वेट होना चाहिए, उसके बाद हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स ये फेस वॉश ना एक्ने को कंट्रोल करेगा, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो एजिंग के स्पॉट्स होते हैं उसे भी बहुत कम करेगा, डीप क्लीन करता है जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स भी नहीं होंगे हमारे स्किन पे, हमारी स्किन का टेक्स्चर अच्छा करता है, हमारी स्किन को एक ड्यूई सा ग्लो देता है। इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में यूज करना है और फिर वॉश करना। फेस वॉश करके आ गई हो फ्रेंड्स, ये फेस वॉश की एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी स्किन को क्लीन तो करता ही है, साथ साथ हमारी स्किन को ना ड्राई नहीं करता, तो मतलब स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। साथ साथ फ्रेंड्स जो हमारे स्किन पे कभी कभी रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जैसे कि जो उनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है ना वो रेडनेस आती है, इरिटेशन होती है, उसे भी काम करेगा, सूद करेगा। और इसके रेगुलर यूज से ना फ्रेंड्स हमारी स्किन अच्छे से क्लीन रहेगी, साथ साथ इवन टोन रहेगी, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन और ज्यादा ब्राइट लगेगा, स्मूथ लगेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे स्किन से अच्छे से डर्ट भी निकालेगा, पॉल्यूशन भी निकालेगा, और उससे अच्छी बात यह है कि जो मेकअप रह जाता है हमारे स्किन पे उसे भी अच्छे से क्लीन कर देगा, स्किन एकदम स्मूथ बना देगा। इससे ये अच्छा हुआ कि जब हम उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। असद फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि इसमें इनकी पूरी रेंज आती है, जैसे मैंने अभी फेस वॉश यूज किया, इसका मॉइस्चराइजर भी आता है, मैं भी इसे अप्लाई करूंगी, और इसमें इनका बॉडी वॉश भी आता है। फ्रेंड्स आपको ये भी बताना था ये फेस वॉश में 86% नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो चलो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, मतलब रेडी नहीं होना, सिर्फ कपड़े चेंज करेंगे, शाम को रेडी होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाओ के सभी प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, और वाओ के सारे ही प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। और फ्रेंड्स वाओ के प्रोडक्ट्स में ना ये QR कोड दिया रहता है, जिसे आप कोई भी स्कैनर से स्कैन करके प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को भी चेक कर सकते हो। और फ्रेंड्स वाओ की एक ऐप भी है जहां पर जाके आप सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल देख सकते हो और एक्साइटिंग ऑफर्स भी चेक कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप बाय वाओ से ले सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर नायका से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप buyvao.in पे जाके लेंगे तो आप मेरा कोड यूज कीजिए जो कि है sabaibrahim20, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अभी देखिए ये लोग लास्ट मोमेंट पे अपने ग्रीटिंग कार्ड का काम कम्प्लीट कर रहे हैं, और ये हम निकल गए हैं भाई के लिए गिफ्ट लेने जाने के लिए, और मेरे साथ आए रिजा और रेहान। और बाहर देखिए कितनी बारिश हो रही है, और ये देखिए ये तो नहीं था, डाउन हो जाएगा। इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना, शॉप वाले भैया ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने अम्ब्रेला रखा हुआ था और उन्होंने हमें अम्ब्रेला दिया। इस तरह से हम एक एक करके गए, लेकिन लास्ट में अम्ब्रेला देने आना था और भीग के ही जाना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा जो सामान था वो इजीली अच्छे से वहाँ तक पहुँच गया। जो गिफ्ट लेने गए थे मेन चीज थी जो हमें देना था, जो इन बच्चों को देना था, उसकी शॉप बंद है, हम भूल गए थे कि आज संडे है तो हम लोग कल दे देंगे। बंद। ओह
तो टी शर्ट नहीं लाई कल देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि शॉप्स तो बंद है, जो जो गिफ्ट देना था वो आज नहीं दे पाएंगे, तो इंशाल्लाह कल दे देंगे, उनको लगेगा कल भी उनका बर्थडे। लेकिन इन लोगों को ना, इन लोगों ने कार्ड तो बना लिए भाई के लिए, जो डेकोरेशन है, जो केक ऑर्डर किया है और जो कुछ बलून्स ऑर्डर किए वो आएंगे 6-7 बजे तक। पहले डिसाइड किया कि ये लोग कोई शायरी पढ़ेंगे, फिर इन्हें कोई शायरी नहीं मिली, कौन सी देखी थी। छोटा भाई हो तो टेंशन ही टेंशन, बड़ा भाई हो तो नो टेंशन, तो ये टेंशन दिलाता है। और एक जो भाई का सॉन्ग था, मेरा भाई तू मेरी जान है, तो वो एक बार सारा जब थी तब भी गा चुके थे, फिर जब ब्रदर्स डे आया था फिर भी गा चुके थे। तो अभी सॉन्ग डिसाइड किया है कौन सा, तू जो मिला तो वो ये लोग याद कर रहे हैं, उसमें से रेहान को जो है वो लिरिक्स नहीं याद हो रहे हैं। आशियाना मेरा खुदा ये क्या है मुश्किल सारी खुद ने घर काम के लिए। तो अम्मा अपना सूट दिखाने आई है और बता रही है कब का सूट है अम्मा, भोपाल का। ठीक है, तो आज यही पहन रही हो, ठीक है यही पहन रही है। सारा डेकोरेशन का सामान और अब हम स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन का। मेरी फेवरेट इमली मैंने बचपन में बहुत खाई है और मुझे लगता है मैं कितने 10-15 साल बाद ये खा रही हूँ, बहुत पसंद है मुझे। मास्क, तो दो गोल्डन लाए हैं और ये दो रोज गोल्ड लाए हैं, ये पार्टी पॉपर लाए हैं और ये हम भाई को लगाएंगे किंग वाला। और ये क्या है रजा, क्या कहते हैं, ये स्लो स्प्रे हम मैं करूंगी है, बट ये सारा वो करने देते मैं से फोड़ूंगी। हाँ। और एक रेहान फोड़ेगा, तुम डाल दोगे शानू भाई के ऊपर, शर्माना मत। हाँ। पहले ट्राई करो। पिछले ब्लॉग में जब खाला आई थी तो अम्मी को और उनको लगा दिया था शीट मास्क, तो वहां से खाला ने वीडियो देख के ट्रेन में बोल दिया था कि मेरे लिए बचा के रखना, तो ये वाला शीट मास्क अभी हम लगाएंगे बेटी खाला को, चेहरा अच्छा हो जाएगा। ना फ्रेंड्स, आपको पता है बहुत टाइम से सिल्वर नोज रिंग पहनती हूँ और जब खाला आई तो बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा पहना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलना तो मुझे दिला देना। एक्स्ट्रा लाई थी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने कहा खत्म हो गया और नहीं मिला तो वो अभी मैं इनको पहना देती हूँ, आप फिर बताना इन पे कैसा लग रहा है। सिल्वर चाहिए था ना, चाहिए था ना। लेकिन अम्मी, हाँ फिर तुमने दिलाई थी, हमारी वो लग नहीं रही थी। अच्छा, हमारे में ऐसे ही फ्रेंड बहुत छोटा सा है ना, मेरे नाक का होल, तो मैं बस ऐसे ही डाल लेती हूँ। कान की नहीं, नाक की दोनों। इस काम में बेटी खाला अपने हाथ से अपना कान छेद लिया था इन्होंने। करे कौन भूत, हाँ। भूत दिख रहा है तुम्हें तो आप भी तो बनी थी, हमने देखा तो भूत लग रही, हमें कोई देखा तुम भी भूत बनी बैठी है ना, भूत बनी बैठी थी ना। आप नीचे से कैसे देखे, नहीं लगा पाएगा वही पहना। हाँ। हमने भी लगाई थी, पूरे नाक ऊपर को टेढ़ी कर लो और फिर उसे अंदर डाल लो। फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा पूछते हो कि रिजा जो है ये कैसे बनाती है पूरा बंच, और ये तो बता दो रिजा कैसे बनाती है और ये कहाँ मिलता है कैसे। ये बर्थडे शॉप में कहीं भी जाएंगे वहाँ हाँ। पे स्ट्रिंग मिलती है। हाँ। बस ये जो बड़ा वाला होल है ना, हाँ। उसके अंदर इसको ऐसे डालना है और फिर उसके बाद छोटे के ऐसे यहाँ पे करना है। अच्छा, बस हो गया। इस तरह से आप लगाते रहो, ठीक है, अभी सबको पता चल गया। नाचा खाला के तो कपड़े डिसाइड हो गए, तुम क्या पहन रही हो, अभी दिखा रही हो। अच्छा, जब तुम इस बार आई हो तो तुम्हारी आवाज क्यों इतनी दब गई है, कहाँ दबी है। हाँ, ऐसे जोर से कहो, तो दिखा रहा है ना, बहुत अच्छी लग रही है अम्मी, देखना अम्मी जरूर तुमसे मांग लेगी, तो खरीद लेंगे। लोग आपस में हर बार खरीदती है एक दूसरे का, या तो एक्सचेंज करती है ना, कभी कभी हमने कहा बहुत अच्छी लग रही है, कभी झुमकी के साथ पहन लो, कभी लेके तो आए। मैं कह रही हूँ कितना बदल गया टाइम, कहाँ 800-900 की मिल जाती थी, की 500 की 600 के ऐसे मिल जाती थी। मैंने दिखाई, मैंने कहा ज्यादा बड़ी तो नहीं लग रही, कभी नहीं। अब क्या कर रही हो, प्रेस कर रहे, जल्दी से करके रख ले, फ्री हो जाएंगे। इसको नीचे डाल, बहुत टाइट भी है, टाइट भी है, बहुत कड़क है, जितने वो सॉफ्ट होता है ये कड़क है। अम्मी आपको कितने मजा आ रही है उड़ाने में, ये इतना बड़ा क्यों खुलाया आपने, हमसे नहीं हो रहा था, हमने एक छोटी बना लिया, ये एक मान लिया।
रन हम लोग वहाँ पे ना वो स्ट्रिंग लाना भूल गए तो नाजा खाला की सलवार से नारा निकाल के लिया है। ये पहचान है हमारी सलवार कटोरा रेहान निकाल के लाया है। रेहान निकाल मम्मी कह रही है कोई डोर है सालू की टेलर में डाले तुम्हारे सूट तो था रेडीमेड सलवार रेडीमेड सलवार देखो तो ताज्जुब लगती है ये धागा डाले वो डला डलाया है मार्केट से डला डलाया है रेडीमेड सलवार ये है डाला नहीं है अब तुम्हारी हेल्थ ज्यादा है तो तुम मजबूत हमारे हिसाब से हमारा ही काफी है। क्या केक है कैसा है बहुत ही अच्छा है ये क्या है कार्ड इस बाकी जो डेकोरेशन है वो हो गया हमने जो बलून है वो इधर रख दिए क्योंकि अगर हम इधर रख रहे थे तो उसका लुक नहीं आ रहा था तो वो इधर रख दिए हैं यहाँ पे भी सब रेडी है बाकी सब गए अपने कपड़े चेंज करने उसके बाद बुलाएंगे भाई को। आपकी टी शर्ट का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है नया कलर है ये अच्छा है वही तो ये बेकार है नहीं वो भी ठीक है रेहान नीचे तो पहन लो नीचे इसमें अच्छा लग रहा है ऐसा अच्छा लग रहा है ऊपर चेंज कर लिया हो गए चेंज कर लिए अभी कौन सा हेयरबैंड लगाए हेयर बैंड दिखाओ ड्रेसेस तो बहुत अच्छी लग रही है रुको हेयर बैंड देखते हैं सामने या वाइट लगाना ये लगा के दिखाओ मैचिंग अच्छा लग रहा है ना हाँ यही लगाओ ये और रिजल्ट अभी भी आ गई रेडी होके वाह मैचिंग मैचिंग हो गए अच्छा शानू भाई को बोल के और भाभी को कि 5-10 मिनट से नीचे आ जाए ठीक है येलो येलो अम्मी भी पापा के भी येलो है शालूपी हाँ वो भाभी बोल रही है 5 मिनट में तो नहीं शानू भाई भी नहा देगा फिर हम मैसेज करते हैं ठीक है क्या अम्मी मैंने कहा अम्मी काली बाबू के बारे में बता दो तो कह रही मेरे कौन से नंबर के भाई है माशाल्लाह अम्मी के 6 भाई हैं हमारे 6 मामू हैं तो ये अम्मी 5वें नंबर के ना हुए हाँ बच्चे मामू से बड़े वाले खड़े हो क्या ये हमारे भाई अभी हाँ तुम लोगों ने पहली बार देखा होगा अभी कल परसों आए थे अभी कल चले जाएंगे क्योंकि ये जब भी हम बुलाते हैं ये खाला लोगों को लेके आते हैं छोड़ने जाते हैं यही मामू ऐसे हैं कि एक बार में आते हैं बहुत हेल्प करते हैं सही अच्छी है अच्छी अच्छा अल्लाह सबको ऐसी बहने दे सही बात आपको पता है कि भाई अभी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा तब तक हम लोग थोड़ा इनसे मिलवाते हैं बात कराते हैं देखो ये भी रेडी होके बैठ गई है अम्मा भी रेडी होके आ गई है घर भी रेडी होके आ गई है सब लोग यहाँ पे बैठे अच्छा मैं क्या सोच रही थी इधर उधर सबको जहाँ से देख पाऊँ क्या कह रही थी कि रिजा रेहान तो भाई के लिए गाना गा रहे हैं उनको तो प्रिपेयर करा दी है बता दिया लेकिन मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि जैसे आज आप तीनों के बेटे का बर्थडे है तो आप तीनों भी गाना गाओ और पहला गाना गाओ चंदा है तू मेरा सूरज है तू ठीक है प्रैक्टिस कर लो 1 2 3 स्टार्ट तू मेरी आँखों का चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आंखों का तारा है तू तो उसे पहली बार इतनी हिम्मत करके लोग गा रहे तो सिर्फ 4 लाइन ही बहुत है और मुझे लगता है कि भाई को बहुत स्पेशल लगेगा करीब पीछे हो जाए तो उठा दे बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा रिजा रेहान सारा एक बार यहाँ खड़े होकर प्रैक्टिस कर लो तो जैसे क्योंकि आएगा तो तुम उनके पास उनको मतलब हाथ दिखाते हुए क्योंकि ठीक है बच्चे चश्मा नहीं लगाएंगे इस बार अम्मिया चश्मा लगाएंगे अरे तुम लोग के बेटे का बर्थडे तो मैं खुश होना चाहिए चलो एक एक दे दो सबको ये बात ऐसे करो ऐसे चलो बेटे का ऐसे करो वोट दो दो अम्मा हाँ ये हुई ना के साथ ये व्हाइट स्प्रे नहीं डालते जब वो केक कट करेंगे क्योंकि उनके बाल बाल बिगड़ जाएंगे ठीक है लेकिन रेहान और रिजा तुम पार्टी पॉपर के साथ रेडी रहना कैसे करना है मैंने पहले ट्राई करेंगे तो फिर क्या करेंगे ऐसे बस किस तरफ घुमाना मैं फिर घुमा दूंगी जैसे हम चढ़ने की जरूरत नहीं है नहीं चढ़ूंगा अरे नहीं अभी नहीं तुम लोग पागल हो कसम से सारे खोल दो
हैप्पी बर्थडे नहीं नहीं होगा एकदम से आपको बुलाया अभी ऊपर बिजी हो गए ना अच्छा ये सारे पढ़ो अच्छा सब में कुछ ले अलग खुश रहिए प्यार बाकी बस इतना ही होगा और एक ये बड़ा वाला है ये क्या क्रिकेट हो गया कैमरा बाइक नहीं लगाई उन्होंने और जिम का सामान उनको उसके साथ है ये क्या अच्छा वो गिम्बल इतनी देर से हम उसे वो रिमोट समझ रहे हैं ब्लॉगिंग कैमरा बाल खराब हो जाएंगे मत लगा नहीं अगर बाल खराब हो जाएंगे आप पहले बैठो वहाँ पे नहीं नहीं करो नहीं करो इतने मुश्किल से बाल सेट वो जला भी दीजिए भाभी चलो आप लोग भी लगाओ अपने आज अम्मा निकल के काटे सबकी आंखें झुंझुनाएंगी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर जानू भाई Happy birthday to you. ये वाली क्रीम नहीं लगती हम नहीं लगेगी अरे अच्छे से इधर भी नहीं हाँ नाक पे भी नाक पे भी अरे 100 रुपए चाहिए थे बस का 1000 रुपए 100 रुपए चाहिए थे मेरे को अरे अम्मा के पास पैसे हैं हाँ ये हटा दो अम्मा तुम लड़ाई वड़ाई नहीं तुम लोग की बस 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 ब्रदर यू आर सो स्वीट थैंक यू सो मच सो मच वाह क्या बात है थैंक यू मुझे बहुत लव YouTube में बातें सुनने को मिल रही हैं कि नजरिया अच्छे से नहीं मिले हाँ वो ही तो नहीं उनके लिए बोला है खाला लोगों ने अभी चलो चलो यू द बेस्ट थैंक यू सो मच वी आर सो लकी टू हैव अ ब्रदर लाइक यू मच फॉर एवरीथिंग वाह वो भी बोलता है ये शानू भाई माशाल्लाह वाह शानू भाई कीप स्माइलिंग एवर बेस्ट फॉर नहीं केक खाते जाओ डर गया वो बहुत क्यों डर गया तुम नहीं आप जैसा भाई सबको मिले थैंक यू सो मच शुक्रिया और बाकी हम लोग अपना गिफ्ट लेने गए थे लेकिन संडे था तो सब बंद था और हम लोग वहां से तो वो कर देंगे ये बड़ी मुश्किल से निकलता है शुक्रिया लाओ भाई कितना इजी वे आउट निकाल लिया ना इतना बैठे रहे आते रहो मैं नहीं खा सकता ना तुम तो खा सकती हो ना तुम्हें तो वेस्ट कर कुछ लोग कह रहे हैं खाला की आंख में दर्द देख हमने का खाला शर्मा रहे ये लोग कुछ भी सोचते हैं आप सबको गलत फहमी हुई है अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्यार आप सब लोगों को गलत फहमी हुई है हम लोग अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं एक्चुअली क्या है कि शुरू से वो यहाँ पे रहे हैं और एक ऐसा मतलब रेहान तो शायद उसको इतनी समझ भी नहीं थी कि मेरे माँ बाप कौन है तब से वो यहाँ पे है
ऐसा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जिसके साथ ज्यादा रहता है, और ये बहुत शर्मीले हैं, बहुत इतने ज्यादा। अभी मेरे ख्याल से अभी शायद इधर थोड़ा बहुत अभिजा अब भी मुझसे शर्माती है। मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे घर पे होंगे, रूम में बैठा होगा, तो ये मेरे सामने बैठेगी नहीं, ये अंदर निकल। चाय भी लेके खड़ी रहती है तो ये नहीं बोलती कि शानू लेके खड़ी रहेगी तो ये बोलेगी नहीं शानू भाई आपकी चाय आ गई, मैं इसको डांटता हूँ। तो शर्माहट है, और इतने दिनों के बाद जब मिलते हैं तो ऐसा होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पापा ज्यादा वाला केक नहीं खाते, पापा ये आपकी गोल्ड बटन के वो वाली टी शर्ट पहने हुए। अरे वाह, बार बार दिन ये बार बार दिन ये गाए, अरे वाह, तुम जियो हजारों साल ऐ मेरी ये आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी खुशी मुझको रब मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि गाना तुम लोगों ने बदला है। मुझे चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। नई नई चीजें अम्मा, तो आपने भी कुछ तैयार किया कुछ तैयार किया पहले का। हैप्पी बर्थडे शानू भाई, आप बहुत अच्छे हो और आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मैं सबसे पहले शानू भाई हैप्पी बर्थडे, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि शानू भाई आप हमेशा खुश रहिए, कभी भी रोइए मत, और हमेशा सबके सामने स्माइल करते रहिए, और हम सब भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे शानू भाई, शानू भाई आप दुनिया के सबसे अच्छे ब्रदर हैं। हैप्पी बर्थडे शानू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, जैसे हो वैसे ही रहना। और अम्मी कहती है कि दुनिया में सब, मैं इतनी खुश नसीब हूँ जो मेरा सोब जैसा, मैं सोब की माँ हूँ। माशाल्लाह, आपको हमेशा अच्छे रखे शानू बेटा। हैप्पी बर्थडे, आप खुश रहो और बहुत अच्छे से रहो। आप हम लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, आप अच्छे से रहो। जोर से हाँ, बहुत सारे मुँचा तो नाती, अल्लाह हमेशा खुश रहे, अल्लाह जिंदगी भर वही आराम रहे, अल्लाह मुँह बहुत चाहते, बहुत खुश रहे, क्या आराम खुश रहे। आमीन आमीन, जोर से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सोएब इब्राहिम, नहीं शानू बेटा, नहीं हैप्पी बर्थडे। भांजा हमें बहुत चाहता है, हम उनको जान से ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह ऐसे भांजा सबको दे और उनके कमाई में बरकत, उम्र में बरकत दे, आमीन आमीन। हैप्पी बर्थडे बेटा शानू, खुश रहो, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बेटे हो, बहुत ख्याल रखते हो, अच्छा अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। चलो पापा आप भी। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आज आज तुम्हारा बर्थडे था ना, बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब हमेशा, मतलब इतना ध्यान रखते हो, इतना ख्याल रखते हो मेरा कि मैं बता नहीं सकता बेटा, सब तुम ही हो, मतलब मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, सही है। नहीं पापा इमोशनल हो गए, क्योंकि भाई पापा का बहुत ख्याल रखते हैं, और
पापा चलो अभी पापा को थोड़ी देर आराम करने देते हैं, ठीक है पापा। चल बच्चे हैं मैं और कडर भाई को विश देने के लिए। कडर बोलो, कडर अपने फेवरेट पर्सन को हैप्पी बर्थडे बोल दो। कडर इस घर में सबसे ज्यादा प्यार भाई को करता है ना कडर। बोलो बेटा किसका बर्थडे है कडर आज। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो कडर। हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे भाई। और कटर के कौन लगे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। हम लोग अभी आ गए थे ऊपर और भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, आपने देखा ही होगा। उन्होंने अचारी मटन बनाया था, वो सबको बहुत अच्छा लगा, तो अभी बस सब वही खा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है अम्मा के लिए बना देना। हाँ? और हमें अचारी हो सोना। अरे नहीं, कभी भी बना। चिकन तो किसी ने नहीं खाया। अच्छा।